नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है राकेश। स्वागत है आप सभी का आरबी एडिट्यूब क्लासेज में। आज मैं क्लास टेंथ के सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन मैथ के एक्सरसाइज 5.2 से लिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर है 10, पेज नंबर है 106, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस डी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछे जहां पर ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म नहीं दिया है और कॉमन डिफरेंस पूछा है, इस तरह के क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म को और कॉमन डिफरेंस को हमें लेट करना पड़ता है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास, लेट अस कंसीडर फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, देन 10th टर्म विल बी 10th टर्म फाइंड करेंगे, उसके बाद 17th टर्म फाइंड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन ने जो कहा है कि 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाना, बढ़ जाने का मतलब होता है यहां पर प्लस साइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो एपी का फार्मूला होता है वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। 10th टर्म फाइंड करने का मतलब होता है यानी कि प्लस पर हम 10 पुट कर देंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। सो ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। सो ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 9d। एंड यहाँ से आगे हम इक्वेशन मान लेंगे इसको, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर आगे हम 17th टर्म फाइंड करेंगे, फॉर 17th टर्म ए 17th इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, इसी फार्मूले में हम 17th पुट कर देंगे एन के प्लेस पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए 17 ए प्लस एन के प्लेस पर 17 रखेंगे। सो फाइनली हमारे पास बनेगा ए 17 इज इक्वल टू ए प्लस 16d। 17 में से एक माइनस होगा तो 16 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें करना क्या है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब यहां पर जो ये क्वेश्चन में कहा गया कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 एक्सीड कर रहा है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे यहां पर कि ए 17 जो है वो ए 10 टर्म से 7 बढ़ जा रहा है। एक्सीड करने का मतलब होता है 7 बढ़ जा रहा है। ये 17th टर्म है और ये 10th टर्म है और ये 7 एक्सीड कर रहा है। एक्सीड करने का मतलब होता है हमें प्लस साइन लगाना है, ठीक है। तो यहां से हम 7 की वैल्यू 17 की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं और 10 की वैल्यू हम यहां से पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे पुट करते हैं, 17 के प्लेस पर आ जाएगा a प्लस 16d। सो यहां पे पुट कर देंगे a प्लस 16d, 10 के प्लेस पे पुट कर देंगे a प्लस 9d। तो इसको ब्रैकेट में पुट कर देते हैं a प्लस 9d प्लस 7। ओके, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। ओके, अब स्टूडेंट हमें यहाँ पर वैल्यूज को इधर उधर भेजना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये 16 बड़े नंबर में है और 9 छोटे नंबर में है। अगर हम 16 को इधर ले जाएंगे तो वैल्यू हमारी माइनस में आ जाएगी, अगर हम 9 को इधर ले के आए करके सॉरी अगर हम 9 को इधर ले करके आएंगे तो वो माइनस में होगी। तो हम इसी को इधर लाएंगे
ये हो जाएगा 16d माइनस 90, इसको a ही राइट कर लेंगे और ये a हम उस साइड भेजेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा प्लस 7, ये नेगेटिव है पॉजिटिव ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। 16d माइनस 90 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7d, चूंकि a a से कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अगली बार जब हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये इनटू में होता है, ये जो 7 है ये d के इनटू में है, दिखाई नहीं देता क्योंकि जो इनटू साइन होता है वो हिडन होता है। जब हम इनटू टर्म दूसरी साइड भेजते हैं तो वो डिवीजन में आ जाता है, इसलिए ये जो 7 होगा ये उस साइड में डिवाइड में जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा d की वैल्यू 1। सो फाइनली हम कह सकते हैं सो कॉमन डिफरेंस इज 1, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर नंबर 5 से एक्सरसाइज 5.2 से लिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर 106 पर है। क्वेश्चन में बोल रहा है दैट 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर जो 17वां टर्म है वो 10वें टर्म से 7 बढ़ जा रहा है, मतलब 7 ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 10th टर्म फाइंड करेंगे, ये हमारा एपी का फार्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस अंडर ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। जब यहाँ पर एन की वैल्यू 10 रखेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 90 आएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। और इसी प्रकार से हम 17th टर्म फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 17th हो जाएगा, यहाँ पर भी 17th हो जाएगा, 17th में से एक माइनस करेंगे तो 16d आ जाएगा, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन हम बनाएंगे, ए 17 इज इक्वल टू ए 10 प्लस 7, क्योंकि 7 एक्सीड कर रहा है तो प्लस साइन आएगा। ए 17 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे ए प्लस 16d, ए 10th की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे ए प्लस 90, इनको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास मिलेगा डी इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा कॉमन डिफरेंस 1। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियोज को लेकर के मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।